हे ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो है हमारी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू हमारे फिटनेस बैंड का, जो कि हमको मिला है ओमनिक्स ब्रांड की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे ये बैंड मिलता है और क्या ये मी बैंड 3 से अच्छा आपको हो सकता है लेने के लिए। तो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स के पीछे बात करें तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत देख लेते हैं, जिसमें आपको वाटरप्रूफ मिलता है ये, अलार्म अलर्ट, डिस्टेंस, पेडोमीटर, टाइम, कैलोरी, हार्ट रेट, ओ अलर्ट, कॉल अलर्ट, मैसेज फंक्शन और 14 ट्रेनिंग मोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्लीप मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे इसको हम अनबॉक्स करते हैं। सिंपली यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, पहले इसकी प्लास्टिक सील को हटा लेते हैं हर चारों तरफ से। तो प्लास्टिक सील आपको लगा के दी गई है, तो आप यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे रह गया कि ओमनिक्स आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है यहाँ पे अपने बैंड के साथ, तो आप ये भी 1 ईयर की वारंटी भी चेक कर सकते हैं। तो हटा लेते हैं यहाँ पे हम इसके प्लास्टिक को। उसके बाद अंदर देखते हैं इसको अनबॉक्स करके कि क्या आपको देखने को मिलती है, किस टाइप की यहाँ पे आपको बैंड रहती है। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से आ गया है बाहर और इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। अंदर आपको सिंपल एक बैंड आपको दिख जाएगा जो कि प्लास्टिक में है। तो इसको यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं तो, और इसके ऊपर आपको स्टिकर चिपका हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका बैंड। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, अंदर देख लेते हैं कि क्या आपको पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसको हटा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टू क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनुअल मिल जाती है जो कि आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, पूरी गाइड है। तो आपको यहाँ पे फंक्शन के लिए एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही इजीली पूरा सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है और ये किस तरीके से वर्क करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऐप की डाउनलोड लिंक भी मिल जाती है। सिंपली आपको QR कोड को स्कैन करना है और आप यहाँ पे इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इससे कैमरे से आप क्लिक भी कर पाएंगे पिक, जिसके लिए मी बैंड 3 में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और देखते हैं सिंपली कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है इस बैंड में। तो बैंड की तरफ चले तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर टाइप का लगा हुआ मिल जाता है। तो इसको हटा लेंगे यहाँ पे और बैंड देख लेते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। उससे पहले यहाँ पे बैंड की ओवरव्यू की बात कर लें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मटेरियल के साथ ये बना हुआ आपको फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको डुअल टोन वाली कलर मिल जाएगी, इधर आप ऊपर देख पाएंगे ब्लैक है और नीचे आपको यहाँ पे सिल्वरिश कलर का आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में लगता है। साथ ही साथ बात करें स्ट्रैप क्वालिटी की तो काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे स्ट्रैप क्वालिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रैप, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ ये आता है। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि कुछ जूस बचा है कि नहीं इसमें ऑन होने के लिए, या आपको फर्स्ट टाइम इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक इसको फर्स्ट चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो चार्ज में लगाने के लिए काफ़ी ईजी है, यहाँ पे आपको कोई भी केबल ओबल की ज़रूरत नहीं है। पीछे यहाँ पे आप हार्ट रेट सेंसर देख सकते हैं, उसी के नीचे आप पे आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें लिखा हुआ है चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको यहाँ से इसको बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रेशर लगाइए और इस तरीके से ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये छोटी सी क्लिप है, इसको आपको सिंपली अपने USB जो डॉक आता है उसमें इंसर्ट करना है और आपका सिंपली ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पावर बैंक है मेरा, और यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए अपने किसी भी चीज़ में, और यहाँ पे आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, ऑन हो गई है और नीचे रेड कलर की लाइट। चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे और बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये आपकी चार्ज हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे एड डिवाइस सिंपली सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा ID 115+HR। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पेयर करेगा, पेयर आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है, 2 मिनट लगेगा और पेयरिंग आपकी इजिली हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पेयरिंग हो गई है, कंफर्म बाइंड बैंड, तो आपको ये बाइंडिंग करना है और बैंड सक्सेसफुली हो गया है। इसके अलावा आपको यूजर प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो आप वो यहाँ पे पूरा ऐड कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंड इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस ऐप के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये ऐप भी वर्क कर रहा है। तो ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइस में चल के कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं,
जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है उस चीज में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टच स्क्रीन आपको ये मिलता है बटन, जो सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली आपको स्वाइप करना है और आपको हर तरीके का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है वॉच का, नीचे डेट और आपको यहाँ पे दिन और ऊपर बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करते ही सबसे पहली चीज आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितने आप यहाँ पे चले हैं वो दिखाएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा ये मेजरमेंट हार्ट रेट वाला। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसमें आएंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट रेट आपकी मेजर करने लगा है। उसके अलावा यहाँ पे अलार्म आ जाएगा। फिर है आपका वॉक का, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो इस फंक्शन को ऑन कर सकते हैं, रनिंग के लिए इस फंक्शन को ऑन कर सकते हैं और बाइकिंग के लिए इस फंक्शन को भी ऑन कर सकते हैं। पहले डिवाइस में देखें तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इस बैंड के बारे में देखने को मिल जाएंगे, जिससे पहला है कि कॉल अलर्ट। तो अगर आपको यहाँ पे कॉल आ रही है तो कॉल अलर्ट करके बताएगा, वाइब्रेट करेगा और यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि किस तरीके से आपका अलर्ट आया है, किसकी कॉल आ रही है, ये भी आपको पूरा दिखाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है। वहां पे है सेडेंटरी अलर्ट, तो इसका मतलब है अगर आप एक टाइम बैठे हुए हैं बहुत टाइम तक तो यहाँ पे 60 मिनट पे सेट है, तो ये आपको यहाँ पे वाइब्रेट करने को बोलेगा कि चलो यार चलो बहुत टाइम से बैठ गए हो। उसके अलावा अलार्म का फंक्शन भी आपको एज यूजुअल देखने को मिलता है, जिससे ये वाइब्रेट करेगा और आपको पूरा फंक्शन बता देगा। उसके अलावा ये ऐप का अलर्ट है SMS वाला, तो यहाँ पे आपको पूरा SMS अलाउ आपको नोटिफिकेशन करना होगा। उसके बाद सारे अलर्ट आपको यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ईमेल का है, SMS का है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और सब चीज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको सिंपली ओके करना है और ये सेटिंग डन हो जाएगी। उसके बाद एक और अच्छा फंक्शन इसका ये है कि कैमरा शूटिंग मिल जाती है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे कैमरा से पिक क्लिक करनी है, तो आपको दिखा दूं साफ साफ, इधर देख सकते हैं कैमरा का आइकन आ गया है। सिंपली आपको यहाँ पे इसको टैप करना है और जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पिक क्लिक कर देगा, आपको मिल जाएगा हार्ट रेट डिटेक्शन। तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी हर कुछ आधी घंटे में या एक घंटे में आपको ऑटोमेटिकली ये हार्ट रेट चेक करेगा और पूरा आपको डाटा बता देगा। रिस्ट सेंस है, यानी आप सिंपली अगर रिस्ट को अपना ऊपर करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन शेवर टाइप का आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप रिस्ट को ऊपर करते हैं, हैंड को हिलाते हैं, तो यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको स्टेप दिखाएगा। तो ये आपको फुल स्क्रीन नहीं है, उसके बाद आप उसको जैसे ही टैप करेंगे तो आपको इस तरीके का जो आपका स्क्रीन है वो आ जाएगा। उसके बाद मोर में आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे एक्टिविटी डिस्प्ले, तो यहाँ वॉकिंग, रनिंग, बाइसाइकिलिंग, इसके अलावा और कुछ बहुत सारी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा चलें तो डायल सेटिंग आपको मिल जाती है, ये काफी अच्छी चीज है जो कि आपको हर बैंड में नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही कम आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद यहाँ पे वर्कआउट अपडेट हो गया है आपका, तो आप यहाँ पे वर्कआउट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायल सेटिंग मिल जाती है, आपको तीन तरीके के डायल मिलते हैं। अगर आपको जो भी सेट करना है सिंपली कंफर्म करिए और डायल यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया तो डायल आपका इस तरीके का यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये डायल आ गया है, अगर आपको सिंपल ये वाला लगाना है तो ये लगा सकते हैं। तो चार तरीके का आपको यहाँ पे डायल देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे यहाँ पे लगते हैं। तो उसके बाद इन्वायरमेंटल टाइम है, फॉर्मेट आपको 12 आप का करना है तो 12 आप कर लीजिए, 24 करना है वो कर लीजिए, हार्ट रेट, डू नॉट डिस्टर्ब और रीबूट डी डिवाइस, तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐप भी काफी अच्छा मिलता है, तो ऐप में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रैकिंग की तो काफी अच्छी ट्रैकिंग कर लेता है, हार्ट रेट भी काफी अच्छा है, बस स्लीप ट्रैकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा हर चीज इसकी आपको बैंड में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो उसको काफी अच्छी तरीके से मिल जाता है। अगर आपको लेना है लिंक मैं आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं आई तो यार कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो आप, और कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद बंद मतलब, बाय टाटा, टेक केयर।